बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज की बड़ी अपडेट, सरकारी मुलाजमीन के मौजें लग गई, तनख्वाहों में 150% अजाफा कर दिया गया। पंजाब के छोटे मुलाजमीन को फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। हुकूमत ने सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 150% अजाफा कर दिया। महकमा खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन का इतलाक ग्रेड 17 से 18 के SNG डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान पर होगा। एक अखबारी एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने 1000 ऐसे अफसरान की तनख्वाहों में 150% अजाफा किया है। ये वो अफसरान हैं जिनकी तनख्वाहों में पहले अजाफा ना किया गया था। इनमें ग्रेड 17 और 18 के अफसरान शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सिर्फ SNG डिपार्टमेंट के अफसरान की तनख्वाहों में अजाफा किया गया है, जबकि पंजाब के बेशतर महकमों के अफसरान पर इस नोटिफिकेशन का इतलाक नहीं होगा। इससे खबर ग्रेड नंबर 19 से 21 के अफसरान की तनख्वाहों में भी 150% अजाफा किया गया था। ज़राए के मुताबिक ग्रेड नंबर 17 और 18 की तनख्वाहों में अजाफे से माहाना 1.5 अरब रुपये का अजाफी बोझ खजाने पर पड़ेगा। नोटिफिकेशन में असिस्टेंट कमीशनर, सेक्शन ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर की तनख्वाहों समेत अफसरान की तनख्वाहों में 150% इजाफा कर दिया गया। दूसरी जगह पंजाब के छोटे मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के लिए सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। इसके साथ एक और बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, वो है जी NTDC मुलाजमीन को बोनस की अदायगी। ये के NTDC मुलाजमीन जो काम करती हैं इस महकमे में, उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए उनके बोनस की अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलो, NTDC के मुलाजमीन जो हैं वो वापडा हाउस लाहौर में जो हैं, उनके मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनको एक बोनस का ऐलान कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।